अभी आज इसी वक्त से बंद कर दीजिए इन डिस्पोजेबल कप ग्लास और प्लेट्स का उपयोग करना, और कोई इस्तेमाल करते दिखे तो उसे टोकिए जरूर। हम भारतीय हर उस चीज पर टोका टाकी करने में मशहूर हैं जहां नहीं करनी चाहिए, तो फिर इस गलत चीज के लिए क्यों ना टोके किसी को। बेझिझक टोकिए साहब, नहीं तो ये कैंसर महामारी बन जाएगी। हम भारतीयों के लिए आज भी हफ्ते के 7 दिन सारे घरवालों के लिए घर पर खाना बनता है। हमारी महिलाएं बहुत सशक्त हैं। हमें नारी सशक्तिकरण के लिए हर दिन नारी को बाहर घुमाने की जरूरत नहीं और बाहर घूमते हुए बाहर का पैक खाना खाने की जरूरत नहीं। याद रखिए, हमारे पुरखे घर के खाने से अच्छा किसी भी चीज को नहीं मानते थे। आज तो फूड चेन्स की लाइन लगी है। ढंग से बात न कर पाने वाले बच्चे भी इन डिस्पोजेबल ग्लास में कोला सिप कर रहे हैं। इन डिस्पोजेबल चीजों में स्टायरोफॉर्म होता है जो कार्सिनोजेनिक है। ज्यादा मात्रा में शरीर में चला जाए तो कैंसर होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो बचाइए अपनी नस्लों को। वीडियो पूरा देखिए, फिर शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए। नंबर 2, अगरबत्ती का धुआं। शोध के दौरान रिपोर्ट में पता चला है कि अगरबत्ती के धुएं में 3 तरह के विशेष तत्व होते हैं जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये विषैले तत्व म्यूटोजेनिक, जीनोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक के नाम से जाने जाते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन यानी आनुवांशिकीय उत्परिवर्तन से व्यक्ति के डीएनए में परिवर्तन हो सकता है, जो कि एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाला भी आपकी भक्ति देखता है, ना कि आप क्या चढ़ा रहे हैं। और वैसे भी उस महान शक्ति को हम क्या चढ़ा सकते हैं। हम बस अपना और अपने परिवार और समाज का भला कर ले, वही बहुत होगा। खुद ही सोचिए, अगरबत्ती का धुआं सूंघकर अस्पतालों का चक्कर लगाते हुए परिवार की जमा पूंजी खर्च करना पसंद करेंगे, या अगरबत्ती का बहिष्कार कर खुद को स्वस्थ और बच्चों का भविष्य उज्जवल करना पसंद करेंगे। तो बंद करें अगरबत्ती का प्रयोग। वीडियो पूरा देखें और इस चीज को जरूर शेयर करें। नंबर 3, हम मानते हैं मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां देश के लिए एक बड़ी समस्या है, पर मच्छरों को भगाने के कई और उपाय भी हैं। तो निजात पाइए इन मॉस्किटो कॉइल के धुएं से, क्योंकि इनमें भी कैंसर पैदा करने वाले यानी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस पाए गए हैं। दोस्तों, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के शिकार हम खुद अल्कोहल, गुटखा और तंबाकू चबाते हुए खुद को तो दे ही रहे हैं, फिर अपने घर वालों तक इस बीमारी को क्यों पहुंचाएं? क्या जरूरत है इन स्टायरोफॉर्म वाली प्लेट्स की? भगवान की आरती में हम क्यों अगरबत्ती जलाएं? क्यों मच्छर भगाने के लिए मॉस्किटो कॉइल का धुआं अपने घर वालों और बच्चों तक आने दें? हम खुद के लिए तो लापरवाह हैं, क्यों ना हम अपने घर वालों को बचा लें। हाथ जोड़ के विनती कि इस वीडियो को हर उस आदमी तक पहुंचाए जो अपने घर वालों को चाहता होगा। शेयर करें व्हाट्सएप पे, शेयर करें फेसबुक पे और शेयर करें यूट्यूब पे, और देश को इस खतरनाक बीमारी से बचाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।